खेत में जाने का रास्ता, जंगलों से होते हुए हम जा रहे हैं। शाम के 5:45 हो गए और इस वक्त हम जा रहे हैं अपने खेत पर, अपने मीन्स मेरे बड़े पापा के खेत पर। ये सारे कांटे हैं, यहाँ पर कांटों वाली झाड़ियाँ बहुत ज़्यादा होती है। ये सारे कांटे हैं। यहाँ पे आपको ये झाड़ बहुत ज़्यादा देखने मिलेंगे, कांटों वाली झाड़ियाँ। ये देखो पूरे कांटे। डैड इंतज़ार कर रहे हैं मेरा, शायद जो सामने दिख रहा है वही है, मुझे भी नहीं पता। मैं यहाँ पहली बार आ रही हूँ और आप भी पहली बार ये यहाँ पे झाड़ियों में। भैंस आपको दिख रही है कि नहीं? मुझे तो दिख रही है। तो आज आप और मैं पहली बार मेरे बड़े पापा का खेत देखने वाला है, और ये आ रहे हैं मेरे बड़े पापा सामने से और उनका लड़का। शाम का नज़ारा बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही प्यारा। वाह, ये बता रहे हैं कि कितना है। यहाँ से हम अंदर जाते हुए, और ये रही दीपाली। ये हमारे बड़े पापा का फार्म हाउस है। ये हमारे यहाँ नया नया टोकरी आया है। ये हमारी टोकरी है, टोकरी। ये हमारी गोरी है, ये हमारा टोकरी है। हाथ देखो कैसे करे, हाथ रहा ना खाली, कैसे कर दो। तो हमारे बंद भी आ गए। ओ हाथ के बंद मारी तो नहीं गए? नहीं नहीं मारते, मुझे हाथ देखो। नहीं मारे मारे, ओ मारे बंद तो मारे होते। अरे ये तो हाथ मारे। अरे पक दे, अरे मारे पक दे तो बोले। ये कुछ पैसे, भैंसे, आई डोंट नो मैंने सही कहा कि गलत। हाय, कैन यू सी पीकॉक? ये देखो यहाँ पे मोर है खेत में, और ये इनका खेत। कितना प्यारा लग रहा है ना, ऐसी जगह पर आकर मज़ा ही आ जाता है। मतलब ऐसी जगह पर हम हमेशा नहीं आते, कभी कभी आते हैं। इसके लिए यहाँ की फील ही अलग है, नेचर जो इतने नज़दीक से गांव आके ही देखने मिलता है। ये देखो मेरे पीछे कितनी ग्रीनरी है, कितनी वाह। ये इनका दूसरा खेत, और ये खेत देखकर आप लोगों को कौन से मूवी की याद आ रही है प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए।
क्या याद आया, कुछ याद आया। ये हमारे बड़े पापा का फार्म हाउस में देखो खेतीबाड़ी। होय होय होय, इतना प्यारा नजारा, माय गॉड, मजा आ गया। आज तो बहुत ही मजा आ गया। इतनी अच्छी फीलिंग आ रही है ना यहाँ पे, इतनी अच्छी। सी ग्रीन येलो का कॉम्बिनेशन, लवली लवली इट इज। यह है सरसों के खेत। तो अंधेरा हो गया है और अब हम जा रहे हैं अपने घर। हम कल दोबारा आएंगे, पर थोड़ा जल्दी आएंगे, अंधेरे में नहीं आएंगे। सो दैट वीडियो फोटो जो भी लेना है वो बहुत अच्छे से है, इसलिए अभी तो पूरा अंधेरा हो चुका है। ये देखो यहाँ पे शाम बहुत जल्दी हो जाती है आई गेस। हाँ, और वैसे भी अभी ठंडी है तो दिन छोटा होता है, तो वो भी एक रीज़न है। चलिए अब घर जाके मिलती हूँ मैं आपसे।